गुरु दर्शन और संत समागम मेला में पधारे सबो संत समाज मानव समाज, आप सबसे आग्रह है कि आज हमन बाबा घासीदास जी के कर्म भूमि द्वारा भंडारपुरी में पहुंचे हुए हैं सब कोई, और सब एक आस और मनोकामना लेके आए हमन। हमारे जीवन के जो उद्देश्य है, उद्देश्य ये कि हर घर में खुशहाली और तरक्की बरकत होना चाहिए, और हमारे पूरा प्रदेश में अमन चैन और हमारे पूरा भारत देश में भी अमन चैन होना चाहिए। तो यही आशीर्वाद ले के लिए गुरुद्वारा भंडारपुरी भंडारपुरी धाम में हम सब पहुंचे हैं, और हमारे प्रणाम गुरु तक पहुंचना चाहिए। ओकर लिए हम सब सम्मान करबन गुरु के, और हमला होकर आशीर्वाद मिली ताकि वो आशीर्वाद लेके हम अपन घर जाबन, हमार पूरा परिवार में खुशहाल हुई, आशीर्वाद मिली। तो ये आशा विश्वास के साथ आप सबसे आग्रह करता हूँ कि बड़े सम्मान के साथ और बड़े ऊर्जा के साथ बाबा जी के सम्मान करूँ जयकारा लगा के। सब तैयार हो, सब आशीर्वाद चाहिए ये तरफ, सब कोई हाथ उठाओ, मैं हाथ न देखू ना, बोल दे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय, बोल सतधारी गुरु अमरदास बाबा की जय। जेकर आज सम्मान में ये कार्यक्रम होते, जेकर हम दर्शन करे लाथन सूरवीर महातापी राजा गुरु बालक दास साहेब जी, जय आज के ही दिन ये भंडारपुरी धाम में राजा के पदवी से सम्मानित होए के बाद, राज तिलक होए के बाद पूरा समाज ला गुरु के और राजा के रूप में जो दर्शन दिस, और जीवन भर गुरु और राजा के कर्तव्य ला दोनों दायित्व ला निर्वहन करिस, वैसे गुरु के हमला आओ थोड़ा ऊर्जा के साथ सम्मान करना है। बोल सूरवीर महातापी राजा गुरु बालक दास साहेब की जय, साहेब गुरु सतनाम। आज बड़े खुशी के अवसर हैं कि आज हम पूरा मानव समाज, बाबा घासीदास जी किसी एक समाज के तो गुरु नहीं रही, उकर जो संदेश उपदेश से सिद्धांत है पूरा समस्त मानव समाज और हर जीव के कल्याण के लिए, तो हम बोला गुरु घासीदास बाबा जी ने किसी जाति विशेष के गुरु के नाम से नहीं जानन, पूरा विश्व के गुरु के नाम से जानतन, पूरा हर चराचर जीव जंतु के कल्याण करने वाला जीव तारण हर गुरु के नाम से जानतन। तो ऐसा गुरु जो गुरु घासीदास बाबा जी के ये कर्म भूमि है, अब यहां हर साल एकादशी के मेला भराते हैं और आप सब हमेशा यहाँ आते हो, तो आज बड़े ये खुशी के अवसर है एकर खातिर है कि आज हमारे प्रदेश के मुखिया कौन है जी, मुखिया विष्णु देव साय जी हमारे मुखिया है प्रदेश के, और नाम का है विष्णु देव, विष्णु देव ना काकर नाम रही से विष्णु देव, विष्णु भगवान रही से विष्णु भगवान विष्णु देव। अब ओकर हम पिताजी माताजी ला भी धन्यवाद करबो कि ऐसे पुत्र वह हमारे छत्तीसगढ़ में जन्म दे के भेजे हैं, जो नीचे से लेके ऊपर तक पहुंची आवाज मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच में पधारे हुए हैं। तो हमर अतिथि देवो भव हमर भारत देश हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति है, और जिसे भगवान हमार पूरा सबके काम ल करते, कोई भी मनोकामना होते बोला पूरा कर देते, जिसे हम गिरौदपुरी धाम जाथन और यहाँ आए थे भंडारपुरी आए, जो भी मनोकामना हमार रिथे बोला बाबा जी के आशीर्वाद से पूरा कर देते। वही प्रकार से आज छत्तीसगढ़ के सरकार के मुखिया हमार प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, और जेकर आशीर्वाद है नरेंद्र मोदी जी, उकर आशीर्वाद से वो गारंटी दिस, और हमर मुख्यमंत्री जी पूरा उकर विष्णु देव साय और साय साय काम करके पूरा
गारंटी ला पूरा कर जात कराते कि नहीं तेरे साए साए होते कि नहीं होते कोनो कमी है। आज हम एक बार बोले कि भी हम भंडारपुरी आना है तो तुरंत भंडारपुरी के लिए स्वीकृति दी समाज भंडारपुरी आई से। तो भंडारपुरी के जो गुरुद्वारा है आप सब लोग मालूम है कि ओकर ले भी दृढ़ संकल्प है कि भंडारपुरी गुरुद्वारा जो बनना है बनाना है वाला भी हम दिखाए नौकर वीडियो की ऐसे बनना ऐसे करके आरंग विधानसभा क्षेत्र में भी माननीय मंत्री राम विचार नेताम जी के द्वारा भी घोषणा करेगी 18 करोड़ रुपये की गुरु घासीदास बाबा जी के जो कर्म भूमि जो गुरुद्वारा है बोला पुनः बढ़िया से बनाया जाए इसे करके 18 करोड़ रुपये के वहाँ घोषणा करेगी रहीस है। तो कल भी मैं मुख्यमंत्री जिला बड़े दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी गौरव के बात है समाज के जो गुरुद्वारा काफी लंबे समय से रुके हुए हैं उकर निर्माण कार्य है तो जल्द से जल्द हो जाए तो हम सबला एक भव्य गुरुद्वारा के रूप में बाबा घासीदास जी के गुरुगद्दी के दर्शन हुई। तो आज हमारे बीच बड़े खुशी के अवसर है कि मुख्यमंत्री जी पधारे और खुशी के अवसर है कि हमारे मंत्री जी टंकराम वर्मा जी हैं और हमारे परिवार से हमारे बेटा सद्धारे गुरु जो बोलता हूँ आप सब जो है गुरु सोमेश बाबा जी और हमर आप सब के चहता विधायक गुरु कुशवंत साहेब जी और हमारे छोटे सबसे लाडले सुपुत्र गुरु सौरभ साहेब जी पधारे हुए मंच में और हमर सबो विधायक मन डोवन ओसेवाड़ा जी अनु शर्मा जी और हमर पीछू सबो सम्मानी मन बैठे हमारे सांसद भी पहुंचे जानगे क्षेत्र के। तो ऐसे हमारे तमाम मंच पूरा भरे हुए आप सब देखा तो बड़ा उसी के अवसर अच्छा लगा थे जब भरे हुए रहते तो बड़ा अच्छा लगते। तो आज आप सब अभी गुरु खुशवंत साहब के बात ला सुने हो कि भी हमारे जो भंडारपुरी गुरुद्वारा के कैसे विकास होना चाहिए उसके संबंध में एक मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी ने तो कर मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि हमें ध्यानपूर्वक विचार करी और साथ ही साथ हमर टंकराम वर्मा जी बड़ा अच्छा गीत गाई से और बड़ा अच्छा ढंग से बाबा जी के भी सम्मान करी से। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँ कि आप सब जो यहाँ आए हो बाबा जी के धाम में कर्म भूमि में तो बाबा जी से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि जितका भी संत समाज मानव समाज यहाँ भंडारपुरी धाम में आए हुए हैं वो सबला आशीर्वाद प्रदान करें उनकर घर परिवार में सुखी शांति अमन चैन खुशहाली रहे तरक्की बरकत रहे दिन दुगुनी रात चौगुनी जो तरक्की के बात बोलते इसे आशीर्वाद बनावें ताकि वो आशीर्वाद ला प्राप्त करके हमेशा उनकर आस्था में विश्वास में तरक्की होए और गर्व महसूस करें कि भी हम सतनामी समाज बाबर घासीदास जी के अनुयायी हन मानने वाला हन। तो ये आप सब ला बाबा जी के आशीर्वाद मिले और आगे ये मैं कहना चाहता हूँ कि हम पूरा सतनामी समाज बड़े आज ये अवसर में कि हमारे पूरा सतनामी समाज में एकजुट करे जाते पूरा सतनामी समाज ला एकीकरण करे जाते हैं। तो आप सबसे मोर आग्रह जितका भी समिति और संगठन बना के रखे हुए हो वो आपस में समन्वय बनाओ और एक मंच बार घासीदास जी के जो सादा झंडा है और सतनाम के एक मंच है और अभी एक जो संगठन बनाएगी पूरा समाज के सभी संगठन मिलके पूरा समाज के मुखिया मिलके सतनाम धर्म महासभा होकर आप सब उनमें जुड़ो और पूरा समाज के सबो जितका भी समिति संस्था है बोला वहां जोड़ा और पूरा समाज ला एक सूत्र में बांधो जिसे बाबा गुरु घासीदास जी या गुरु बालक दास बाबा जी पूरा समाज ला एक सूत्र में बांध के रखे रहीस। वैसे आप सबके ये कर्तव्य दायित्व बनते हैं कि हम अपन अपन परिवार के लिए तो जीवे करतन अपन परिवार ला आगे बढ़ाए के लिए काम करतन लेकिन हमारे सबके ये कर्तव्य भी बनते कि जे समाज में हमारा जन्म हुए जिस समाज में हम जन्म लेके आए हम
जय समाज के नाम से हमर पहचान है, जय गुरु के नाम से हमर पहचान है, जय धर्म के नाम से हमर पहचान है। वो गुरु के लिए, वो धर्म के लिए, वो समाज के लिए भी हमारे ये कर्तव्य होना चाहिए। ओकर लिए भी समय निकालो, समाज के नाम आगे बढ़े के लिए सतनामी समाज, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, यहाँ तक के राजनीतिक रूप से भी संगठित है। और आप सब लोग मालूम है कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार बने हुए हमर विष्णु देव साय जी के, वो आप सबके ही आशीर्वाद से बने हुए, हमें कोई दो मत नहीं है। आप सब आशीर्वाद दो, सतनामी समाज तो बड़े 54 सीट जीत के यहाँ पे सरकार बनी से, और हमेशा आप सबके आशीर्वाद ये सरकार ल मिलत रहे, बाबा घासीदास जी के भी आशीर्वाद मिलत रहे। और मैं मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि भी अभी हमर दिसंबर महीना में बाबा घासीदास जी के अवतरण दिवस आने वाला है, 18 दिसंबर, आप सब लमानत। ऐसे कोई गांव नहीं है जी बाबा घासीदास जी के जयंती नहीं मनात हुई। हर गांव में, हर नगर में, हर शहर में, हर जिला ब्लॉक में अपन अपन स्तर में जयंती मनातन। तो मैं चाहता हूँ आप सबसे भी आग्रह करता हूँ कि आप ये समय आने वाला जो 18 दिसंबर है, हमर बाबा घासीदास जी के जो अवतरण धाम है, गिरौदपुरी धाम अवतरण स्थल है, तपोभूमि है, वहाँ हमन पूरा पूरा सतनामी समाज एकजुट होके वहाँ पे 18 दिसंबर बार घासीदास जयंती के शुरुआत करें। वहाँ मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप सब तैयार हो वहाँ गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती मनाने के लिए गिरौदपुरी धाम में। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वो हमर गिरौदपुरी धाम के विकास भी काफी लंबा समय से अवरुद्ध पड़े हुए हैं, और आपके द्वारा मतलब गिरौदपुरी मेला समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए, जेकर लिए मैं आप सबला धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी ला। तो मैं चाहता कि भी ये साल हमर 18 दिसंबर गिरौदपुरी धाम में जो बाबा जी के जयंती होना है, हमर देश के मुखिया, हमर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ला ओकर वहाँ आगमन हो जाए, ऐसे मोर दिली इच्छा है। और समाज भी ये चाहते कि भी माननीय मोदी जी वहाँ पे आए और समाज ला संबोधित करे और समाज के विकास ला आगे बढ़ाए के काम करे। इस शब्द के साथ मैं अपन वाणी लाई में विराम देता हूँ। बोल दे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। अंत में बोलना चाहता हूँ, हे सतनाम, हे सतपुरुष, हे सतनाम, हे सतपुरुष, तोर अदालत में मोर जमानत रखबे, मैं रहा चाहे मत रहा, मोर ये संतला हमेशा सलामत रखबे, हमेशा सलामत रखबे। साहेब सतनाम सतनाम, धन्यवाद।